दोस्तों आज हम बना रहे हैं तंदूरी पॉम्प्रेट। हम अपना किचन में तंदूरी पॉम्प्रेट फिश किस तरीके से बनाते हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको आज इस वीडियो में। तो दोस्तों चलो फटाफट चलते हैं वीडियो के अंदर, आज बनाते हैं तंदूरी पॉम्प्रेट फिश। तो दोस्तों आपको तंदूरी पॉम्प्रेट बनाने के लिए देख रहे यहाँ पर मैंने लिया है 400 ग्राम वेट का पॉम्प्रेट फिश। आपको सेम ऐसा पॉम्प्रेट फिश लेना है और इसे अच्छा से नीटली क्लीन करके कटिंग कर लेना है। और कटिंग कैसा करेंगे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए मैंने इसका टील भी काट लिया है, पूरा क्लीन कर लिया है और यहाँ पर कोड भी लगा लिया है। इसमें लगाने से क्या होता है मसाला पॉम्प्रेट का अंदर अच्छा से जाता है। और ये देख रहे सेम आपको ऐसा दाग लगा लेना है और इधर देख रहे मैंने यहाँ पर भी कटिंग कर लिया है। तो आपको सेम ऐसा ही पॉम्प्रेट को अच्छा से कटिंग कर लेना है और इसे अच्छा से वॉश करके वाटर रिमूव कर लेना है। तो दोस्तों अब हम इस पॉम्प्रेट पीस को अच्छा से फास्ट मैरिनेशन कर लेते हैं। तो फास्ट मैरिनेशन के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे वो मैं दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको लेना है जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो ऐड कर लेंगे थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। और नेक्स्ट ऐड करेंगे लेमन जूस, आपको 3 या 4 लेमन का लेमन जूस ऐड करके इसमें ऐड कर लेना है। नेक्स्ट ऐड कर लेंगे 2 चम्मच ग्रीन चिल्ली पेस्ट। और नेक्स्ट ऐड कर लेंगे नमक, आपको क्या करना है ऐड कर लेना है 1 स्पून नमक। और नेक्स्ट ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, आपको क्या करना है इसमें ऐड कर लेना है थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। और नेक्स्ट ऐड करेंगे रेड चिल्ली पाउडर, आपको ऐड कर लेना है थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर। नेक्स्ट ऐड करेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। तो दोस्तों मास्टर गार्ड ऐड कर लेंगे 1/2 चम्मच टर्मेरिक पाउडर। तो टर्मेरिक पाउडर के बाद आपको क्या करना है ऐड कर लेना है थोड़ा सा अजवाइन सीड, कैरम सीड है, इसे अच्छा से घिस घिस के आपको ऐड कर लेना है। कोरिएंडर लीफ चॉप, तो आपको मसाला का साथ पॉम्प्रेट को अच्छा से मिक्स करके फास्ट मेरिनेशन कर लेना है। उसके लिए आपको क्या करना है ये जो मसाला आपको इसका बीचों बीच अच्छा से घिस घिस के मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों देख रहे मैंने पॉम्प्रेट को फास्ट मैरिनेशन कर लिया है। अब आपको क्या करना है इसे अच्छा से साइड कर लेते हैं और इसका बीच में बनाते हैं जबरदस्त तंदूरी मैरिनेटेड मसाला। तो दोस्तों पॉम्प्रेट के मसाला बनाने के लिए आपको लेना है ऐसा एक बर्तन, और इस बर्तन में हम सबसे पहले ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो आपको क्या करना है ऐड कर लेना है 2 से 3 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और दोस्तों इस मिर्ची में आपको क्या करना है ऐड कर लेना है थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। तो इसमें क्या होता है चिल्ली में अच्छा कलर आता है और हमारा जो कबाब बनेगा वो मस्त का कलरफुल बनेगा। आप लोग चाहे तो मस्टर्ड ऑयल को थोड़ा गर्म करके ऐड कर सकते हैं, उसमें भी अच्छा कलर आता है। हमारा चिल्ली रेडी। नेक्स्ट आपको क्या करना है ऐड कर लेना है नमक, आपको स्वादिष्ट अनुसार नमक ऐड कर लेना है। और साथ में ऐड करेंगे ब्लैक साल्ट, लेकिन ध्यान रहे आप लोग जब व्हाइट नमक ऐड करेंगे तो थोड़ा देख के आपको व्हाइट नमक और ब्लैक साल्ट ये दोनों को ऐड करना है स्वादिष्ट अनुसार, नहीं तो आपका कबाब नमकीन हो जाएगा। नेक्स्ट ऐड करेंगे रोस्टेड जीरा पाउडर, कस्तूरी मेथी पाउडर। नेक्स्ट ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, वो भी आपको 1 चम्मच ऐड कर लेना है। नेक्स्ट ऐड करेंगे चाट मसाला, आपको ऐड कर लेना है चाट मसाला थोड़ा खट्टा और चटपटा के लिए। और नेक्स्ट आपको क्या करना है ऐड कर लेना है 2 या 3 लेमन वेजेस का लेमन जूस। तो दोस्तों आपको क्या करना है इस मसाला को अच्छा से मिक्स कर लेना है। देख रहे मैंने कैसा मसाला मिक्स कर लिया है। जब आपका मसाला मिक्स हो जाए तब आपको क्या करना है धीरे धीरे इस मसाला में ऐड कर लेना है हैंग कर्ड। यहाँ पर देख रहे मैंने दही को अच्छा से फिल्टर करके रखा था, आपको भी दही को ऐसा कपड़े में फिल्टर कर लेना है। तो आपको ऐड करना है हैंग कर्ड और इस हैंग कर्ड ऐड करके आपको मसाला का साथ अच्छा से मिक्स कर लेना है।
तो दोस्तों देख रहे मैंने कैसा चटपटा पॉम्प्रेट के लिए मसाला बना लिया है, आपको सेम ऐसा ही चटपटा मसाला बना लेना है। तो दोस्तों जब आपका चटपटा मसाला बनके तैयार हो जाए तब आपको क्या करना है, धीरे धीरे इस मसाला में पॉम्प्रेट को ऐड कर लेना है। यहाँ पर देख रहे मैंने इस मसाला में कैसा पॉम्प्रेट ऐड कर ले रहा हूँ, आपको सेम ऐसा ही पॉम्प्रेट ऐड कर लेना है। और नेक्स्ट ये मसाला का साथ पॉम्प्रेट को आपको अच्छा से मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों देख रहे मैंने कैसा पॉम्प्रेट पे मसाला लगा लिया है, आपको सेम पॉम्प्रेट में ऐसा ही मसाला लगा लेना है। बहुत ही जबरदस्त मसाला लगा लिया हमने, तो अब हम इसे एक घंटे के लिए चिल्लर में रख लेते हैं। और एक घंटा बाद जब हमारा रेस्टोरेंट पे आलाकार्ट का ऑर्डर आएगा शाम का टाइम पे, तब मैं इसे लगा के आपको बढ़िया प्रेजेंटेशन का साथ दिखाऊंगा। तो दोस्तों देख रहे हैं एक घंटा बीत चुका है, चलो लगाते हैं पॉम्प्रेट। तो इसके लिए आपको लेना है ऐसा एक तंदूर का सीख। और ये देख रहे हमारा मसाला वाला पॉम्प्रेट रेडी। आपको क्या करना है, धीरे धीरे इसको ऐसा ही सीख में अच्छा से घुसा के पॉम्प्रेट लगा। आपको धीरे धीरे सीख में अच्छा से पॉम्प्रेट को लगा लेना है और ऊपर से थोड़ा मसाला भी लगा लेना है। चलो अब हम चलते तंदूर की ओर और इसे अच्छा से ग्रिल कर लेते हैं। तो देखे मैंने इसे तंदूर में ऐड कर ले रहा हूँ। और आपको क्या करना है, तंदूर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, ध्यान रखना, आपको लीड डाल के इसे अच्छा से ऑयल डन ग्रिल कर लेना है। और दोस्तों देख रहे हमारा तंदूरी पॉम्प्रेट हाफ डाउन ग्रिल हो चुका है। जब आपका पॉम्प्रेट हाफ डाउन ग्रिल हो जाए तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा बटर लेना है और इस पॉम्प्रेट को अच्छा से बटर ब्रश कर लेना है। देख रहे चारों तरफ घुमा के आप इसे बटर ब्रश कर लीजिए। और बटर ब्रश होने के बाद आपको क्या करना है, इसे एक हैंगर में नहीं तो ट्रे में कहीं भी रख लीजिए। ये रखने से क्या होता है, जब पॉम्प्रेट में जो पानी निकलता है ना, तो ये पानी निकल जाना चाहिए। हाफ डाउन होने के बाद इसे पानी निकल जाना चाहिए और आपका पॉम्प्रेट कुक करने के लिए बहुत ही इजी होगा। तो देख रहे 3 से 4 मिनट बीत चुका है, अब हम धीरे धीरे इसे दोबारा तंदूर में ऐड करेंगे और इसे लीड डाल के अच्छा से ऑयल डन ग्रिल कर लेंगे। तो देख रहे 3 से 4 मिनट बीत चुका है, हमारा पॉम्प्रेट ऑलमोस्ट फुल डाउन ग्रिल हो चुका है। देख रहे आपको सेम ऐसा ही पॉम्प्रेट को फुल डाउन ग्रिल कर लेना है। ध्यान रहे पॉम्प्रेट फिश है, आप लोग ज्यादा काला करके ग्रिल ना करें। चलो अब हम इस मच्छी को एक प्लेट पे निकल के प्लेटिंग कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे इसे घुमा के, टूट जाएगा, आपको प्यार से इसे एक प्लेट पे निकाल लेना है। 1 by 1 करके इसे अच्छा से एक प्लेट पे निकाल लीजिए और ऊपर से ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा बटर और ऐड कर लेंगे थोड़ा सा कबाब मसाला पाउडर और साथ में ऐड कर लेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। तो दोस्तों देख रहे मैंने प्लेट को अच्छा से गार्निश करके सेट कर लिया है, आपको भी आपका मनपसंद एक प्लेट सेट कर लेना है। चलो अब हम इसमें पॉम्प्रेट फिश को अच्छा से सेट कर लेते हैं। तो ऐड कर लेंगे प्लेट का ऊपर से पॉम्प्रेट फिश और इसका ऊपर आपका मनपसंद गार्निश ऐड कर लीजिए। तो ऐड कर लेंगे 2-3 लेमन स्लाइस, ऐड कर लेंगे थोड़ा सा जुलियन गर्ल्स और साथ में ऐड कर लेंगे थोड़ा सा अमूल ग्रेटेड चीज और ऊपर से लाइटली ऐड कर लेंगे 2 या 4 माइक्रोग्रीन्स। आपको पॉम्प्रेट फिश को ऐसा ही गार्निश कर लेना है। देख रहे हैं बहुत ही मजेदार गार्निश और लुक दिख रहा है। तो दोस्तों देख रहे तंदूरी पॉम्प्रेट रेडी पूरा प्लेटिंग का साथ। तो दोस्तों तंदूरी पॉम्प्रेट का रेसिपी कैसा है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो हो जाए एक जोरदार लाइक और कमेंट। मैं हूं आपका दोस्त गोपाल, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नया कबाब का साथ। बाय बाय, थैंक यू।